स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माया की और मायावी शक्तियों की। माया जिसे ईश्वर ने रचा इंसान को बनाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए, और मायावी शक्तियां जिन्हें देवताओं ने रचा, कुछ दानवों ने, कुछ राक्षसों ने गढ़ा इस संसार पर सभी पर राज करने के लिए। सवाल उठते हैं, क्या है इन मायावी शक्तियों का राज? क्या ये आज भी मौजूद हैं? क्या इंसान की पहुंच इन शक्तियों तक आज भी हो सकती है? इन सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सवालों का जवाब देने की और आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मायावी शक्तियां देवताओं और राक्षसों की शक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। मायावी शक्तियां भ्रमित करने में व साथ ही उग्र बनाने में, यानी एग्रेसिव बनाने में सबसे निपुण होती हैं। देवता और राक्षस इसी शक्ति के माध्यम से शत्रु को भ्रम जाल में फंसाकर, अपने आप को अनेकों रूपों में दिखाकर, शत्रु को उलझाकर उसका नाश कर देते थे। इसका वृतांत आपको हमारे धर्म ग्रंथों रामायण और महाभारत में मिलेगा, जहां रावण ने और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग किया। मायावी शक्तियां हवा की तरह होती हैं, उन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उन्हें काबू कर लिया जाए तो वो व्यक्ति को अपार शक्तिशाली बना देती हैं। बहुत सी गुप्त बातें हैं जिन्हें उजागर करना मैं इस वीडियो में उचित नहीं समझता। रावण और मेघनाथ के समय की मायावी जो शक्तियां हैं वो आज भी विद्यमान हैं। इस रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड में जो अति तीव्र और उग्र हैं, जिनको करने से व्यक्ति राक्षस व तमो शक्तियों का स्वामी बन जाता है। महाबली रावण के रहस्यों में से एक रहस्य मायावी सिद्धियों का था। हम सभी जानते हैं कि आत्मा न ही कभी पूरी तरह से नष्ट होती हैं और न ही जन्म लेती हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो ऊर्जा न कभी नष्ट होती है और न उत्पन्न होती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। उसी तरह जो शक्तियां जो कल थी वो आज भी हैं, हर युग में हैं। क्या सतयुग, क्या कलयुग, क्या द्वापर युग, क्या त्रेता युग, इस कलयुग में देवता और राक्षस दोनों ही मानव जाति में होते हुए ही अपनी शक्तियों को महसूस करेंगे और उन्हें जागृत करके, इन शक्तियों को जागृत करके पुनः पाया जा सकता है। राक्षस से मतलब उन लोगों से है जो हृदय में भयावह आकृति का जन्म रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि राक्षस एक योनि व कुल की भांति है। जब हम अपनी जन्मपत्री देखते हैं तो उसमें गण लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जन्म किस योनि में हुआ है और आप उसी प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, जो गुण हैं, वो आप में होते हैं। पहले राक्षस कठोर तपस्वी व अहंकारी और क्रोधी होते थे और अहंकार अनैतिकता को जन्म देती है और यही पतन का कारण बनती है। राक्षस मायावी शक्तियां इतनी समर्थ हैं कि वो आपको प्रकृति और पंचभूतों से खेलने तक की क्षमता दे देती हैं। परंतु दुर्भाग्य यही है कि व्यक्ति एक चीज का एक ही पहलू देखता है। अंकुश जिस प्रकार हाथी को काबू में रखता है, वैसे ही इंसान की पवित्र आत्मा और ब्रह्म ऊर्जा उसके ऊपर मायावी को हावी नहीं होने देती, उसे काबू में रखती है। आप सब नए जमाने के हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवीनता को बेहतर समझते हैं, तो ठीक जैसे घोस्ट राइडर हॉलीवुड मूवी के किरदार महाकाल की तरह काबू कर सकते हैं, यदि मायावी शक्ति हावी हुई तो पूर्ण राक्षस बना देती है, रुद्राक्ष बॉलीवुड मूवी के किरदार बुरिया की तरह। शक्तियां और सिद्धियां कोई बुरी नहीं होती है, निर्भर करती हैं व्यक्ति की क्षमता पर, इस्तेमाल करने वाले की क्षमता पर। यह पूरा का पूरा मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि
कि वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है या सही इस्तेमाल करता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मायावी शक्तियों और माया के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।